हम लेके आए बहुत ही तगड़ी स्कीम, 17 अक्टूबर से पैसा डबल, ऑफर भी डबल। अमेज़न से हमने इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, कभी गैजेट, कभी मोबाइल और कभी कभार रोबोट भी। अभी नई सेल निकलने वाली, उसके लिए जितने भी अनरिलीज्ड ऑफर थे हमने सारे सेव करके रख लिए हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए सारे सीक्रेट्स अनवील कर दिए जाएंगे। सेल के बारे में रिपोर्ट रैम्बो के पास डायरेक्ट, चलिए जाए। हेलो दोस्तों, हमको फ्रेश सूचना मिली है, सेल 24 घंटे पहले चालू हो सकती है अगर प्राइम वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ये जितनी भी सेल है इसमें प्रोडक्ट वाइज अलग अलग ऑफर्स रहते हैं, कुछ ऑफर ऐसे हैं जिनकी हम एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको सेल से पहले ही बता देंगे, थोड़ा बहुत प्लानिंग में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप HDFC यूज करते हो तो इंस्टेंट डिस्काउंट है 10% का एडिशनल। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बोला जा रहा है इसको, 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। KVC की शुरुआत कर रही चाहे दोस्तों, कंप्यूटर जी अपना पहला प्रश्न स्क्रीन पर, 1+8 कितना हो पाता है? ए 9, बी एक तगड़ा फोन, सी मैं मैथ्स में फेल हो गया था, डी ऑल ऑफ द अबव। मैं मैथ्स में कंपार्टमेंट आई फेल नहीं हुआ था, बी एक तगड़ा फोन। बिल्कुल सही जवाब, प्राइस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, 40,000 रुपीज का आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट में 5G स्नैपड्रैगन 865 काफी अच्छा सा डिस्प्ले है और कैमरा भी ट्रिपल कैमरा 48 मेगापिक्सल, और काफी डिसेंट फोन है। इस प्राइस पॉइंट में आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, 8 के बाद क्या आता है? ए 9, बी रेडमी 9, सी बोला था मैथ्स में फेल हो गए, और एफ इंग्लिश में भी फेल हो गए। मैं फोन फ्रेंड लेना चाहूंगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता बट हम ऑफर देते हैं। एक्चुअली रेडमी के फोन्स वैसे ही कट टू कट बिकते हैं, काफी ज्यादा डिस्काउंट आते नहीं, इस बार आपको काफी प्राइस कट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। रेडमी 9 प्राइम 10,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, एक फुल एचडी डिस्प्ले है, 5000mAh बैटरी है, और उसके बाद एक क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, और ये सारा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। ये वाला एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है 4+128GB के लिए। रेडमी 9A का प्राइस कम होके 6,500 पे आ गया, जो काफी इंटरेस्टिंग सा लगा, बट ये वाला भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। बजट की बात कर रहे हैं तो दो और स्मार्टफोन्स, रेडमी 88 डुअल, ये भी काफी बिकता है स्मार्टफोन, जिन लोगों को रेडमी पसंद आता है उनके सारे एक साथ ही बता दिए, और सैमसंग का M01 कोर, ये आपको 5,000 रुपए में देखने के लिए मिलेगा, 1 रुपए कम की उसकी टॉफी खरीद सकते हैं बढ़िया से। इस प्राइस पॉइंट पे भी सैमसंग का जो डिस्प्ले वो काफी अच्छा है, HD+ आपको देखने मिलेगा। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं phonesaathi.com, दोस्ती खाली इंसानों से नहीं, स्मार्टफोन से ही बहुत बड़े। मिड रेंज वाले फोन भी काफी सारे हैं, सैमसंग M31 इस वाले फोन पे वैसे ही बिल्कुल ऑफर नहीं आते, काफी ज्यादा बिकता है, 16,500 का एक्चुअल कॉस्ट है इसका, बट इस सेल में 15,500 में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप HDFC यूज करो तो इंस्टेंट डिस्काउंट है 10% का, 1,000 रुपए और ऑफ है Amazon पे बैलेंस पे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड वाला है, और ये 14,000 रुपए का आपको देखने के लिए मिलेगा, और 2,500 रुपए सस्ता होना है एक स्मार्टफोन जो पहले से ही बजट में है, वो मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है। इसी का जो बड़ा भाई है सैमसंग का M31S, वो आपको 19,500 का वैसे देखने के लिए मिलता है, इस सेल में उसका प्राइस ड्रॉप होके 18,500 रुपए आ गया, प्लस 10% और आप अगर ऐड करते हो तो आपको 16,700 में देखने के लिए मिलता है। और M31 S दोनों पे ही 6 महीने नो कॉस्ट EMI है, और दोनों में 64 मेगापिक्सल कैमरा, एक काफी तकड़ी बैटरी, और सैमसंग का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक फटाफट रैपिड फायर भी हो जाए, सबसे पहले सैमसंग का M21 13,000 रुपए में देखने के लिए मिल रहा है, प्लस इस पे बैंक वाला ऑफर भी है, 10% और कैशबैक मिल जाएगा, और 6 महीने की नो कॉस्ट EMI है, और ये जितने भी रैपिड फायर वाले हैं सब में सेम है, तो 10% घटा के प्राइस निकालना। बैटरी 6000mAh है, बहुत तगड़ी, और सैमसंग का सुपर AMOLED डिस्प्ले है, OnePlus Nord 90Hz AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 675 और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छी बाय हो सकती है। OnePlus 70 Pro आपको देखने में मिल रहा है 44,000, 1 रुपए की टॉफी, एक्सचेंज करा दो 3,000 ऑफ भी है। OnePlus 70 इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस है, जो पिछले साल का काफी तगड़ा प्रोसेसर था, और ये आपको देखने के लिए मिल रहा है 38,000 रुपीज में, प्लस 2,000 ऑफ एक्सचेंज, जो काफी तगड़ा प्राइस है, थोड़ा और घटा जोड़ा जाएगा 10% कैशबैक के साथ। OnePlus 8 Pro 55,000 का आपको देखने में मिलेगा, प्लस 10% डिस्काउंट। Redmi Note 9 Pro जो एक्चुअली 17,000 का फोन है, वो आपको 13,000 के प्राइस पॉइंट में देखने को मिल रहा है। Redmi Note
9 प्रो मैक्स नाम जितना लंबा उससे कम हो गया है प्राइस। ये 19,000 का यूजुअली देखने के लिए मिलता है, अभी 16,000 प्लस 10% और आप माइनस कर लो। सैमसंग का M51 भी सेल पे आ रहा है और ये भी एक ऐसा स्मार्टफोन है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया था। बैटरी बहुत तगड़ी है, 7000 mAh, स्नैपड्रैगन 730G है, उसके साथ में 64 MP कैमरा और एक काफी अच्छा डिस्प्ले। इस पे भी नो कॉस्ट EMI आपको देखने को मिलेगा और डिस्काउंट भी डेफिनेटली तगड़ा आएगा, 10% वाला जाए। जिन लोगों तक ये सुर्खियां नहीं पहुंची, iPhone 11 का काफी माल चल रहा है मेड इन इंडिया वाला, तो उसकी वजह से काफी प्राइस ड्रॉप्स मिल रहे हैं। 50,000 के अराउंड का मिल सकता है आपको। कैमरा मस्त है, प्रोसेसर मस्त है और iOS 14 का अपडेट भी आ चुका है। OnePlus 8T भी लॉन्च हो रहा है और एक दो और भी नए लॉन्चेस हैं, काफी सारी नई नई चीजें हैं। वैसे मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, स्मार्टफोन्स के ऊपर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भारी डिस्काउंट भी आते नहीं, और ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सारे अभी नए अवेलेबल स्मार्टफोन है जिन पे काफी तगड़े डिस्काउंट देखने मिल रहे हैं। और मैंने प्राइसेस देखी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना डेफिनेटली बनता है। हमारी तरफ से भी परचेजेस काफी होंगे और आप लोग भी चाहोगे बढ़िया खरीदिए, और जितने भी डिस्काउंट है सेल से पहले बता दिया आप लोगों को, थोड़ा प्लानिंग भी हो जाएगी बढ़िया से। बता दें इस बार वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय। करंट वारदात के बारे में बात कर लिए, चाहे एक के बाद एक ऑफ।